जय श्री राम। रात को सोते समय इस तरह बोलकर सोएं, सुबह ही मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, मनोकामना सबके अंदर होती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर कामना नहीं है। जो कामना रहित व्यक्ति है वह तो महापुरुषों की गिनती में आता है, क्योंकि यह कामना ही हमें इस संसार में अधोगति का कारण बनती है। क्योंकि संतों ने यह भी कहा है कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाहों का शहंशाह, यानी कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वह ही सर्वोत्तम महापुरुष कहलाता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, और जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान वह बन जाता है जो सर्वशक्तिमान की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि इच्छा रहित व्यक्ति संसार को जीत लेता है। इच्छाएं कहाँ होती हैं? इच्छाएं मन के अंदर होती हैं, और जब मन को प्राणों के साथ विलीन कर दिया जाता है तो इच्छाओं का अंत हो जाता है। इच्छाओं का अंत होना, मन का प्राण के साथ विलीन होना, इसको हमारे संतों ने मुक्ति भी कहा है। तो बंधु, इच्छाएं तो किसी बिरले की ही समाप्त होती हैं, लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं, कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सर्वोपरि होती हैं, जिससे हमारा संसार में काम चलता नहीं है। तो उनको पूरी करने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या प्रयास करते हैं। तो हमारे संतों ने एक ऐसा उपाय बतलाया है जिसको अगर हम सोते समय और कर लें तो वास्तव में ही रात को सोएंगे उस समय इच्छा बोले और सुबह उठते ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। और वह कैसे होगी ये आप ध्यान से सुन लें, समझ लें, और खाली सुन करके समझ करके छोड़ना नहीं है, विश्वास करके करना है। अगर आप करेंगे जैसे बता रहा है, जैसे बतलाया जा रहा है, अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि हम जो भी वीडियो लाते हैं वह संतों के अपने प्रैक्टिकल होते हैं, और संतों के प्रैक्टिकल गलत नहीं हो सकते। तो बंधुओं, अब आप यह सुन लें कि आप जब सोएंगे तो आपको क्या बोलना है। बंधुओं, जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, सोते समय आप पहले परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का याद करें, और उसके बाद आप परमात्मा से आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वह बोलें। लेकिन इसमें एक शर्त है, आपने जो अपनी मनोकामना इच्छा जो बोलनी है उस समय आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए। यानी कि जब आप अपनी मनोकामना सोने से पहले बोल रहे हैं उस समय आपका मन संसार में नहीं होना चाहिए। आप बड़े ध्यान से सुन लें, कहने के लिए तो बहुत आसान है, कोई भी मनोकामना बोल देगा, और फिर अगर उसका मन उस समय परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है और उसका संसार में मन घूम रहा है, और वाणी से आप अपनी इच्छा बोल रहे हैं, मनोकामना बोल रहे हैं, तो वह पूर्ण हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती है, उसमें दोनों विकल्प हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन को एकाग्रचित करके और जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप अपनी इच्छा बोलती रहें आपको जो चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका मन उस मनोकामना को उस इच्छा को एक्सेप्ट कर ले। अगर मन एक्सेप्ट नहीं करेगा और मन एकाग्र नहीं होगा तो आपकी जो मनोकामना है वह पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं, मन की आपकी एकाग्रता, जब तक आप सोएं तब तक केवल अपनी मनोकामना और इच्छा में होनी चाहिए, दूसरा आपका मन उसे एक्सेप्ट कर ले। यानी कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो 1 लाख रुपए के लिए आपको या तो रात को स्वप्न आएगा या फिर सुबह सुबह आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको ये इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं कहेगा, या आप कहेंगे तो वो कहेगा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि मुझे 10 लाख चाहिए और आप व्यक्ति हैं 1 लाख के, और आपका मन तो इस बात को मानेगा नहीं, तो आपकी मनोकामना इच्छा नहीं पूरी होगी, क्योंकि मन का मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बंधुओं, रात को सोते समय आप अगर इस तरह बोलेंगे, ध्यान रहे जब तक आप सो ना जाए तब तक आप बोलते ही रहें, क्योंकि रात को सोते समय हम सुनते हैं या आँखों से देखते हैं तो वही हमारे मन के अंदर अपना हमारे स्वप्नों में वही चीज़ें घूमती रहती हैं। इस तरह से एकाग्रचित करके और हम अपनी मनोकामना इच्छा परमात्मा के सामने रखेंगे तो वह रात भर हमारे अंतर मन में जाएगा और उसके लिए या तो परमात्मा स्वप्न दिखाएगा या सुबह सुबह आपके पास किसी न किसी साधन से आपका वो कार्य पूरा करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए किसी को भेज देगा। तो आशा करते हैं आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए रात को सोते समय इस तरह बोलेंगे और अपनी मनोकामना और जो भी इच्छा है अवश्य पूरी करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।